नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू मनी टिप्स चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूं सूजी के चीले की रेसिपी। देखिए, सूजी जो है बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छा फूड है। ये इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है, बच्चों में खून की कमी को नहीं होने देता है क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा आयरन पाया जाता है। इसके अलावा ये बच्चों के डाइजेशन को स्ट्रांग रखता है और बच्चों को डायरिया या कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम फिर नहीं होती है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं विहान के लिए डेली सूजी की एक रेसिपी जरूर बनाती हूं, जैसे कि सूजी का हलवा हो गया, या सूजी की खीर हो गई, या सूजी का उपमा हो गया, या फिर सूजी का चीला। सूजी का चीला पूरी फैमिली के लिए एक बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट ऑप्शन है क्योंकि इसमें हम बहुत सारे वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी बन जाता है, ज़्यादा सामान भी नहीं लगता है और बहुत ही क्विक और हेल्दी रेसिपी है। सूजी का चीला जो है छोटे से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत ही पसंद आता है क्योंकि ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सूजी के चीले की रेसिपी। तो सबसे पहले मैं आपको इन्ग्रीडियंट्स बता देती हूँ। तो मैंने एक कटोरी सूजी ले रखी है, आधा कटोरी दही और पानी ले रखा है। अब मैं इस बड़े बाउल में सूजी को डालूंगी, दही को डालूंगी और फिर इसको मिक्स करेंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जितना आपने सूजी लिया है उसका आधा अमाउंट आपको दही लेना है। मतलब कि अगर आपने एक कटोरी सूजी लिया है तो आधा कटोरी उसमें दही मिलाना है। अब इस बैटर को अच्छे से मिक्स करेंगे। बैटर आपको ऐसे तैयार करना है जो कि ना तो ज़्यादा गाढ़ा हो और ना ज़्यादा पतला हो, मतलब कि वो मीडियम हो। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसको मिक्स करेंगे। बैटर की कंसिस्टेंसी आपको मीडियम रखनी है, ना तो ज़्यादा थिक होना चाहिए ना ज़्यादा पतला होना चाहिए। तो इस कंसिस्टेंसी का आपको बैटर तैयार करना है। अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए ढक करके रख देंगे। यहाँ पर मैंने एक प्याज, एक टमाटर और धनिया ले रखा है। इसको हम चॉपर में अच्छे से बारीक चॉप कर लेंगे क्योंकि बच्चों को देना है इसलिए हमें अच्छे से बारीक काट लेना चाहिए। तो यहाँ पर मैं प्याज को चॉपर में काट रही हूँ। तो देखिए बिल्कुल बारीक हो चुका है प्याज। इसी तरह टमाटर को भी मैं चॉपर में काट लूँगी। अब 15-20 मिनट हो चुके हैं तो आप देख सकते हैं कि जो पेस्ट था सूजी ने पानी को सोक कर लिया है और बहुत ही ज़्यादा थिक हो गया है। तो अब हम इसमें हींग ऐड करेंगे। हींग डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, इसलिए बच्चों की जो भी आप चीज़ बनाएं उसमें आप हींग जरूर डालिए। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। नमक आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग रखना है। अब हम इसमें प्याज, टमाटर और धनिया ऐड कर लेंगे और थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड करेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे बैटर को। अगर बैटर आपको थिक लग रहा है तो आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। बैटर की कंसिस्टेंसी आपको मीडियम रखनी है, ना तो ज़्यादा थिक होना चाहिए ना ज़्यादा पतला होना चाहिए। और इसमें पानी आपको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, एकदम से ज़्यादा नहीं ऐड करना है, नहीं तो ये पतला हो जाएगा और फिर आपका चीला नहीं बन पाएगा। तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर रही हूँ और अच्छे से आपको इसे फेंट लेना है। तो मेरा बैटर अब रेडी है। तो आपको इस कंसिस्टेंसी का बैटर तैयार करना है। यहाँ पर मैंने पैन को गैस पर रख दिया है, गैस ऑन कर दिया है। पैन को थोड़ा गर्म करेंगे। इस पर मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है पूरे पैन को, जिससे कि चीला चिपके ना। अब हम इसमें एक बड़ा चम्मच चीला डालेंगे। आपको गोल गोल कर लेना है चीले को और बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, नहीं तो ये टूट जाएगा। थोड़ा सा मोटा रखिएगा। और आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा थोड़ा ब्राउन होने लगा है। जब ये थोड़ा थोड़ा ब्राउन होने लगे तो आप चारों साइड से चम्मच से इसको निकाल लीजिएगा,
जिससे कि ये चिपके ना और आसानी से पलट जाए। क्योंकि आप लोगों के ज़्यादातर क्वेश्चन इसी बात को लेकर के रहते हैं कि चीला टूट जाता है, पलट नहीं पाता या पलटते टाइम टूट जाता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब चीला पक जाए एक तरफ से तब आपको पलटना है। तो आप देखिए चीला मेरा एक तरफ से पक गया है, आप देख सकते हैं कि ये हल्का हल्का ब्राउन हो चुका है, तो ये सही टाइम है पलटने का। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब मैं चीले को पलट दूंगी, तो आप देख सकते हैं कि चीला बिल्कुल पक चुका है एक तरफ से। अब मैं दूसरे साइड को 2-3 मिनट तक पकाऊंगी और 2-3 बार आपको चीले को पलट देना है और चम्मच से या पलटे से इसको प्रेस कर देना है कि ये अच्छे से पक जाए। तो बस बहुत ही आसान रेसिपी है सूजी के चीले की। इसे छोटे भी खा सकते हैं, आप बड़ों को भी दे सकती हैं। अगर आप बड़ों के लिए बना रही हैं तो इसमें 2 या 3 मिर्चें भी डाल सकती हैं। तो आप देख सकती हैं कि दूसरी तरफ से भी चीला बिल्कुल पक चुका है और बिल्कुल रेडी है अब खाने के लिए। बस मैं इसको 2-3 बार इसी तरह पलट दूंगी और इसको आप प्लेट में सर्व कर लेंगे। अब मैं दूसरा चीला डाल रही हूँ, इसको भी हम सेम वैसे ही करेंगे। एक बड़ा चम्मच मैंने डाला है, बहुत पतला आपको नहीं करना है, मतलब कि ज़्यादा फैलाना नहीं है, थोड़ा सा मोटा ही रखना है जिससे कि ये आसानी से पलट जाए। थोड़ी देर तक इसको पकाना है जब तक कि हल्का हल्का ब्राउन ना हो जाए, आपको नहीं पलटना है। अब आप देख सकते हैं कि ये हल्का हल्का ब्राउन होने लगा है, तो मैं साइड से चारों किनारों से इसको चम्मच से निकाल दे रही हूँ जिससे कि ये चिपके ना और आसानी से पलट जाए। तो आप देख सकते हैं कि सूजी का चीला एक तरफ से बिल्कुल पक चुका है, अब मैं दूसरा साइड पका रही हूँ। तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करिएगा, बहुत ही हेल्दी और क्विक रेसिपी है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। आप चाहें तो इसमें और भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, जैसे पनीर हो गया या शिमला मिर्च हो गया, गाजर हो गया, आप उसको बारीक चॉप करके इसमें डाल सकते हैं और बहुत ही हेल्दी रहता है ये बच्चों के लिए। तो अब सूजी का चीला बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे कि दूसरे पेरेंट्स की भी हेल्प हो पाए और वो भी अपने बच्चों को ये हेल्दी फूड खिला सकें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा जिससे कि मैं